नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी सारे मैसेजेस हमें JKSSB के रिगार्डिंग देखने को मिल रहे हैं कि जो JKSSB है, अब जो पेंडिंग एग्ज़ाम है और जो अपकमिंग कैलेंडर है यहाँ पे निकालने वाली है। और यहाँ पे बात करें तो जो आपके पेंडिंग एग्ज़ाम है वो अब जो JKSSB है वो लेने जा रही है OMR बेस्ड, ऐसा कहा जा रहा है। काफ़ी सारे जो मैसेज हैं हमें देखने को मिले हैं वो सब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो कि अभी फ़िलहाल जो पिछले एग्ज़ाम है, चाहे वो फॉरेस्टर का हो गया, वाइल्ड लाइफ गार्ड का हो गया, और भी काफ़ी सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनका अभी अता पता नहीं है, कोई भी उनके रिगार्डिंग अपडेट निकल के सामने नहीं आ रही है। बाकी जो 2-3 आपकी रिक्रूटमेंट्स है, जैसे सब इंस्पेक्टर की हो गई, जेई सिविल की हो गई, उसके बाद दोस्तों आपकी जूनियर असिस्टेंट की हो गई, और यहाँ पे फॉरेस्टर की हो गई, ऐसा ही एपटेक के ऊपर केसेस चल रहे हैं, तो इसलिए वो जो रिक्रूटमेंट है अभी फ़िलहाल यहाँ पे पेंडिंग में है। और बाकियों की बात करें तो बाकियों पे ऐसा कोई कुछ इशू नहीं चल रहा है फ़िलहाल। यहाँ पे जो फॉरेस्टर का, वाइल्ड लाइफ गार्ड का हो गया, और काफ़ी सारे ऐसे पेंडिंग एग्ज़ाम हैं जो कि लिए जा सकते हैं, उनको कंप्लीट करवाया जा सकता है। तो जैसे ही वो चीज़ें कंप्लीट होती हैं तो आपको पता ही है कि JKSSB की जो नई वैकेंसी है वो हमें देखने को मिलेगी, चाहे वो क्लास 4th की हो। उसके अलावा काफ़ी वैकेंसी जो है यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की भी है, और काफ़ी अलग अलग जो है सब इंस्पेक्टर की पोस्टें हमें नई भी देखने को मिल रही है। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं, वो सभी नोटिफिकेशन आपको बताएंगे, और रविंदर रैना की तरफ से जो इंटरव्यू दिया गया था उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं JKSSB से जुड़े अपडेट पाने के लिए, दोस्तों आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, पहला तो हमें आपको ये जो नोटिस कल एक निकल के सामने आया था वो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, कल जो एक अपडेट निकल के सामने आया था, एक तरह से यहाँ पे अनकन्फर्म्ड यहाँ पे कह सकते हो कि जो अपडेट निकल के सामने आया था, हायर चांसेस आर देयर टू गेट एग्जाम्स कंडक्टेड बाई OMR मोड, कंपनी हैज़ टू प्रिंट द एग्जाम्स पेपर एंड रेस्ट विल बी डन इन JKSSB इटसेल्फ। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने ये कहा है कि जो JKSSB है, अब आपके हाई चांसेस है जो कि एपटेक कंपनी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट ना करवाए, क्योंकि काफ़ी सारा बच्चों का जो फ्यूचर है एक तरह से दाव पे लगा हुआ है। एज लिमिट की बात करें तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की एज लिमिट तकरीबन 1-2 साल तो एक्सटेंड हो ही चुकी होगी। और इसके अलावा बात करें तो अब आपके हायर चांस बन चुके हैं, क्योंकि एक तो 2-3 दिन पहले एक मीटिंग भी देखने को मिली थी जिसमें रविंदर रैना जी और साथ ही साथ जो आपके जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी, वो भी शामिल थे। CUET के बात करें तो इसके ऊपर ये मीटिंग थी, उसके अलावा यहाँ पे JKSSB के ऊपर भी काफ़ी डिस्कशन यहाँ पे की गई है। दोस्तों अब आपके जो यहाँ पे एग्ज़ाम है वो OMR बेस्ड लेने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो गए हैं। अब जो ये प्रक्रिया है, जो प्रोसेस आपका रुका हुआ है, ये जल्द ही जो है यहाँ पे शुरू किया जाए, क्योंकि OMR बेस्ड एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो एपटेक से तो ये जो बच्चे हैं, मतलब जो JKSSB के एस्पिरेंट्स हैं, वो तो कंडक्ट नहीं करवाने देंगे, तो OMR बेस्ड जो है अगर ये करवाते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे जो है रह सकता है। अब कंपनी की बात करें तो ये देख सकते हैं कि ये एग्ज़ाम पेपर जो है यहाँ पे जो आपकी शीट वगैरह रहती है वो प्रिंट करने में यहाँ पे इन्होंने जो अनकन्फर्म्ड न्यूज़ है दोस्तों, ये मैंने कल आपको बताया, ये खासकर जो है एक सोर्सेस से न्यूज़ होती है, तो तकरीबन ये 50-60% रियल न्यूज़ होती है, एक तरह से आप कह सकते हो। बाकी अगर जो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहीं पे सबसे पहले अपडेट यहाँ पे JKSSB के दिए जाते हैं। तो और इसी के साथ बात करें तो दोस्तों, जो आपका नया कैलेंडर है उसको लेकर भी यहाँ पे बात की गई है। जैसे ही एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है उसके बाद नई वैकेंसी भी आपके लिए निकल के सामने आएगी। नए कैलेंडर की बात करें तो लगभग 2-3 महीने और लग सकते हैं, बाकी पेंडिंग एग्ज़ाम्स की बात करें वो आपके जल्द होने के चांसेस हो सकते हैं। फिलहाल तो यही जो बड़ा अपडेट है इस वक्त का निकल के सामने आ रहा है। अब केसेस की बात करें तो वो तो फिलहाल अभी एक्सटेंड ही होते जा रहे हैं, उसके ऊपर अभी कोई अपडेट नहीं है। बाकी दोस्तों, ये जो बड़ा अपडेट है फिलहाल JKSSB की तरफ से निकल के सामने आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।